दोस्तों ये है हमारी डाटा केबल जो बिग बेस ऑडियो की तरफ से BBA DC 100 वॉट के अंदर है, और आज इसकी मैं आपको एंड्रॉयड ऑटो का दिखाऊंगा भी किस में वर्क कर रहा है किस में नहीं, क्योंकि हमने जो डाटा ट्रांसफ़र है वो टाइप सी में दिया है, तो इसलिए ये टाइप सी में ही आपका एंड्रॉयड ऑटो चलेगा जो विद वायर चलता है, और आईफोन में चार्जिंग रहेगी, V8 में भी चार्जिंग रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने मारुति सुजुकी का है और ये हमारे पास फ़ोन है, ये देखिए ये टाइप सी है सैमसंग का, तो ये मैं इसके अंदर लगाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए ये टाइप सी में एंड्रॉयड ऑटो पकड़ रहा है, तो मैं इसे नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये देखिए एंड्रॉयड ऑटो अपना ऑन हो चुका है। तो ये है एंड्रॉयड ऑटो ये केबल के साथ, बट आईफोन के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। इसके अंदर मैं ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए मैसेज वगैरह सब अलाउ ऑप्शन मांग रहा है परमिशन, तो ये हमारा यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो ऑन हो गया। ठीक है जी, तो इसको जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे तो मैसेज आ गया आपका। ठीक है जी, तो ये है बिग बेस ऑडियो की 3-in-1 जो केबल है हाई क्वालिटी की। आईफोन के साथ आपको एक बार कनेक्ट करके दिखा देते हैं इसमें कनेक्ट होगा या नहीं। ये हमारे पास आईफोन है, ये देखिए ये चार्जिंग तो पकड़ रहा है यहाँ पर, बट आपको कार प्ले का मज़ा नहीं देगा ये हमारी डाटा केबल के अंदर। इसके अंदर हमने जो है डाटा ट्रांसफ़र नहीं दिया है, और टाइप सी के अंदर हमने डाटा ट्रांसफ़र दिया है 4.80 Mbps के हिसाब से। ठीक है, इतनी इसकी स्पीड है, तो अभी ये चार्जिंग वगैरह तो सब पकड़ रहा है, बट जो है कार प्ले वगैरह नहीं उठा पाएगा, और आपका जो एंड्रॉयड है वो एंड्रॉयड ऑटो बन जाएगा। तो ये आज का वीडियो।